1971 पंजाब और पाकिस्तान ISI की तमाम वो हिंसा, पंजाब पर बनी बंदा सिंह चौधरी फिल्म जो 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देखने को मिली, जिसके प्रमोशन के लिए आज लखनऊ में मशहूर चर्चित कलाकार अरशद वारसी, उसके साथ साथ डायरेक्टर और तमाम वो लोग इस फिल्म में जो अभिनय कर रहे हैं, जो इस फिल्म को बनाने वाले लोग हैं, उन सभी ने आज लखनऊ में इस पूरे फिल्म के प्रमोशन को लेकर शिरकत की और ये भी बताया कि 1971 में किस तरह से पाकिस्तान और पंजाब में हिंदू और सिख समुदाय में जो हिंसात्मक कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिला था, उस पर ये पूरी फिल्म बनाई गई है, जिस पर दर्शकों को कुछ अलग इस बार देखने को मिलेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अरशद वारसी, जो कहीं ना कहीं चर्चित कलाकार हैं, बंदा सिंह चौधरी और कहीं ना कहीं इसके जो डायरेक्टर हैं अभिषेक सक्सेना, क्या कुछ दर्शकों के लिए खास लेकर आए और क्या कुछ अलग इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि मुन्ना भाई जैसी फिल्म में सर्किट का किरदार निभाने वाले और तमाम अपने अभिनय से दिलों पर लोगों के राज करने वाले अरशद वारसी इस फिल्म में हीरो के किरदार में है और कुछ ऐतिहासिक करने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ खास बातचीत। ये और आप सबका वेलकम करते हैं तहजीब के शहर लखनऊ में, और हम कहते हैं आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। आप सबसे निवेदन है, हमारे जितने भी पत्रकार भाई, आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। आइए सबसे पहले वेलकम के बाद बंदा सिंह चौधरी, ये जबरदस्त फिल्म जो कि 25 अक्टूबर को आप और हम सब के नजदीकी दूर के सिनेमा घरों में लगने वाली है। सबसे पहले ट्रेलर से हम शुरुआत करते हैं। अरशद वारसी और महर विज की बंदा सिंह चौधरी वफादारी, हार और भारत की आत्मा की लड़ाई की एक दमदार गाथा है। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद एक नई लड़ाई उभरी जिसने भारत के मूल ढांचे को खतरे में डाल दिया। इन सब में पंजाब बढ़ते सांप्रदायिक तनाव का केंद्र बन गया, जहां हिंदू और सिख समुदाय हिंसा से अलग हो गए और छाया में छिपे पाकिस्तान की ISI ने कलह की आग को हवा दी। बंदा सिंह चौधरी राजनीतिक उथल पुथल की एक और कहानी नहीं, यह वफादारी और राष्ट्र की आत्मा की रक्षा की लड़ाई की एक दिल दहला देने वाली गाथा है। अराजकता के बीच एकता की तलाश करने वाले टूटे हुए समुदाय की कहानी को दमदार तरीके से दर्शाती यह फिल्म शानदार अभिनय और रोमांचक कहानी के साथ बंदा सिंह चौधरी दर्शकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होने वाला है। यह फिल्म 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी तो एक ऐसी कहानी के लिए खुद को तैयार रखें जो इतिहास से परे है। एकता और राष्ट्र के लिए दिल से लड़ने का क्या मतलब होता है, यह आपको फिल्म के हर सीन में दिखेगा। ये ट्रेलर अभी आपने यहाँ पर देखा। आइए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बढ़ते हुए एक एक कर हम यहाँ पर बुलाएंगे। आज हमारे बीच में आपको रिलीज होने वाली है, हम सब सुपर एक्साइटेड हैं और ट्रेलर इतना कमाल है तो फिल्म भी बहुत जोरदार होगी। सबसे पहले इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अभिषेक सक्सेना, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सर आप मंच पर आए एक बार। इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक सक्सेना जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वेलकम है सर, और एक एक करके आप सबसे मैं यहाँ पर मुलाकात करवाऊंगा। देखिए एक फिल्म बना, इस फिल्म को जब आगे सोचा गया, ये कैसे आइडिया आया, किस तरीके से इसका प्लॉट डिसाइड हुआ, और इस फिल्म में डायरेक्टर के साथ साथ आप और हम सब के बॉलीवुड के फेवरेट एक्टर डायरेक्टर से स्वागत करेंगे बंदा सिंह चौधरी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अरबाज सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए लखनऊ। और जिस तरीके से आपने देखा इस फिल्म में एक लव स्टोरी है, एक ट्रू स्टोरी है जिसको लेकर आप और हम सब ने इसको फील किया है। और नेक्स्ट मैं हमारे लखनऊ के मनीष मिश्रा जी के लिए कहूंगा कि प्लीज आप भी मंच पर आए एक बार, जोरदार तालियां हो जाए लखनऊ आप सब की। एंड कुछ पंक्तियां मैंने यहां पर लिखी हैं जो मैं कहना चाहूंगा अगली शख्सियत को बुलाने से पहले। आपने उन्हें बहुत अलग अलग किरदारों में, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखा है, कभी धमाल तो कभी गोलमाल जिनकी कहानी है, हंसी का बहता दरमिया और इश्किया की रवानी है, ये वो सर्किट है जो कभी फ्यूज नहीं होते, जिनको जॉली गुड्डू कहो या बंदा सिंह चौधरी,
इनकी हर कहानी दुनिया से दीवानी है। मोस्ट वेलकम आपके सर लखनऊ में, और आपको देख के सर पता नहीं एक अलग सी फीलिंग आती है, और आप सब यहाँ पर हैं लखनऊ में, तो आप सब की एक बार जोरदार थालियां हो जाएं। आप सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपनी जगह पर ग्रैब में जाओ। आपकी जो अलग सी फीलिंग है ना अपने पास रखेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ना कुछ ये बम आएगा, इसलिए मैं प्रिपेयर होकर आया हूँ, कमर कस के आया हूँ। सर प्लीज आप तो, प्लीज आप अपने पहले आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले किस तरीके से ये आइडिया जनरेट हुआ, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये बंदा सिंह चौधरी का बीज बोया गया, कहां से इसकी शुरुआत हुई, मैं चाहूंगा कि आप लोग जनरेट हुआ कैसे। सर ये 2020 के आसपास जब लॉकडाउन चल रहा था जी, तो मेरा काफी हम लोग न्यूज देखते रहते हैं लेकर कि क्या चल रहा है देश में, नहीं चल रहा था। ऐसे स्क्रॉल करते हुए यूट्यूब पे एक मैंने न्यूज देखी थी जहाँ पंजाब के अंदर कुछ हिंदू सिखों के बीच में कुछ गलत फहमियाँ क्रिएट करने की कोशिश करी थी आउटसाइडर्स की तरीके से, तो वहाँ से मेरे को क्लिक हुआ कि यार इसके ऊपर कुछ बनना चाहिए। तो धीरे 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 करके फिर मैं अपने राइटर से मिला, फिर उसका मनीष जी से मिला, फिर अर्षद सर से बात करी, तो मैं वंडरफुल। सर आप जी कैसे इस जर्नी का हिस्सा बने? सबसे पहले लखनऊ, ग्रेट टू बी हियर and thank you all for coming to the media, thank you very much. This film is very close to us and jaise ki Abhishek ne kaha ki shuruaat Abhishek aur Manish ji ke sath hui thi ye film, and they were very inspired by this story and this subject, and fir uske baad unhone actors they came on board. Mujhe is film ke bare mein thoda sa andaaza isliye tha kyunki Mehar ke jo husband hai Manav wo mere sath film kar rahe the, to iske bare mein kafi zikr hota tha, and I was very keen and interested in knowing this subject. बट उस वक्त आई वुड नॉट, आई वॉज नॉट कम्प्लीटली इन्वॉल्व विद इट, बट जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस होगी आई गॉट एसोसिएटेड इन टुडे आई एम लाइक कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन दिस फिल्म, आई कंसिडर इट माई ओन काइंड ऑफ, सो वी बीन वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म। और ये जैसे कि अभिषेक ने कहा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंस्पायर्ड जो आपने देखा बाय जी इंस्पायर्ड बाय सम ट्रू लाइफ इंसिडेंट्स देयर आर देयर, ऑफ कोर्स इट्स अ फिल्म सो इट्स ड्रामेटाइज्ड एंड यू नो ऑल दैट इज देयर, इट्स अ वेरी कमर्शियल फिल्म, इट्स अ स्टोरी फॉर अ कॉमन मैन हु इज यू नो फाइटिंग ऑड्स, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वो है फैमिली को प्रोटेक्ट करना, अपने घर को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि दुनिया में भी आप देख रहे हो तो सारी जो लड़ाइयाँ होती हैं जमीन की होती हैं और ना घर की होती है कि भाई ये मेरा घर है ये मेरा एरिया है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो रेजोनेट कर गया एंड वी ऑल very touched by this subject and that's where this film is. Wonderful. And very good performances by super all super actors. So it was great to be associated with yeah. Arshu sir aap kaise is journey ka hissa bane, aap ki chhota sa ji abhi bhai Abhishek ne bataya aapko aur phir mujhe suna Abhishek ne ki kuch is tarah hum ek film banane ki koshish kar rahe hain aur jiski kahani kuch is tarah hai aur mujhe waqai mein wo kahani bahut achhi lagi, बहुत अच्छी लगी, वह बहुत ही सिंपल थी और एक कहानी तब अच्छी होती है जब वो आपके दिल को छूती है, वरना आप सिर्फ थिएटर में जाके एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इमोशन एक अटैच हो गया बिकॉज ऑफ यू नो हियरिंग ऑल दी स्टोरीज फ्रॉम माय इन-लॉज एंड माय पेरेंट्स एंड ऑल्सो आई मुझे बहुत मन था गतका सीखने का, मैं बहुत अटैच स्पिरिचुअली कनेक्ट करती हूँ उससे, तो जब पता चला कि मैं प्ले करने वाली हूँ तो वो भी एक मेरे लिए मोटिवेशन मिल गया। तो आई थिंक फैक्ट कॉमन फैक्ट वही है कि रिलेट कर पाई मैं बिकॉज ऑफ यू नो ऑल द हिस्ट्री। सर जी आप किस तरीके से इस फिल्म को देखते हैं और क्या एक चीज़ जो आपको टच करी कि इस फिल्म में आपको आना चाहिए या इस जर्नी में शामिल होना चाहिए? वेरी सिंपल, अभिषेक से मुलाकात हुई, अभिषेक ने एक वन लाइनर बताया और उस वन लाइनर को सुन के इंस्टेंटली ये क्लिक कर गया कि ये फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि एक साधारण आदमी नहीं असाधारण संघर्ष की कहानी है और बहुत ही रियल कहानी है, फिक्शन है, हर फिल्म में फिक्शन होता है बट बहुत ही रियल कहानी है और आम आदमी को या कॉमन मैन को इससे जोड़ती है। हमारे जितने भी यहाँ पर मीडिया बंधु हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप एक एक करके आप पूछें जी। So in times when it is very difficult to pull the audience into the theater, how confident you are about the subject
of the film and the success of the film? I think with every film, I think there is. मैंने अभी recently interview किया था और रमेश सिप्पी साहब से मैं इंटरव्यू कर रहा था और मैंने पूछा कि आपके टाइम में जब आप फिल्में बना रहे थे और आज का दौर फिल्में बनाने में कितना व्हाट इज द डिफरेंस इन फिल्म मेकिंग वाज इज इट मोर इजी नाउ और मोर डिफिकल्ट उस माहौल से उन लोगों से उस जबान से बहुत वाकिफ हैं तो इन लोगों की मदद थी बेचारे को हम लोग कभी बोलते हैं बट उसने बहुत अच्छा शूट किया ये फिल्म डीओपी है सिमर वेरी 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 शॉट गुड जॉब सारी टीम जो है बहुत ही टैलेंटेड टीम थी मुझे बहुत मज़ा आया इनसे मिल के ना जो जितने लोग थे जब मैं गया सेट सारे एक्टर्स सारे टेक्नीशियन सभी बहुत अच्छे थे बहुत ही सिंपल थे बड़े सिंपल लोग थे और बहुत ही टैलेंटेड थे बहुत अच्छा है वो क्योंकि आप में चाहे कितना भी टैलेंट हो अगर आप इंसान अच्छे नहीं हो ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये हमने पहले भी देखे हैं सुने हैं लेकिन उसको फिल्म में ढालने के लिए जो नए चीजें आने वाली हैं तो उनको आपने किस तरह से रिसर्च किया वो कितनी सच्चाई मिली उसमें तो तकरीबन मैं जब ये स्क्रिप्ट डिस्कशन चल रही थी और राइटिंग शुरू हुई थी तो तकरीबन 50-60 फैमिली से मैं ऐसी मिला था जो मेरे बहुत क्लोज थे और जिन लोगों ने सब फेस किया था सारा मूवमेंट तो उसी दौरान उन लोगों से कहानी थोड़ी थोड़ी सी लेके उनकी डिफिकल्टीज लेके जैसा कि सर ने बोला उनके करेज को लेके इस किरदार को बनाया गया और इस कहानी को बनाया गया तो रियलिटी तो पूरी थी और आज भी लोग बहुत सारे कुछ हरियाणा में रहते हैं कुछ राजस्थान में रहते हैं कुछ हिमाचल में रहते हैं कुछ दिल्ली में रहता है आज बॉम्बे भी काफी लोग ऐसे रहते हैं जिन्होंने ये सब फेस किया उस टाइम पे जी जी सर अब मेरे सर आपसे ही सवाल है आशा सर से अभी जैसे आप बात बात में मुस्कुराई देते हैं सभी लोग जानते हैं आप मतलब हर एक चीज को बड़े मजे से बताते हैं अब ये तो बड़ी सीरियस फिल्म लग रही है ट्रेलर से ही लग रहा है कि बड़ी गंभीर बात है ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप मतलब शॉट ले रहे हो और फिर अचानक से अबे हंसने अबे फिर से करो ऐसा कुछ होता नहीं क्योंकि आपको हमने हमेशा जॉली में भी देख लिया तो थोड़ा सा आपका गंभीर है लेकिन बाकी तो सारा कॉमिक है उसमें हंसने वाला है सारा कॉमेडी है तो ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं आते ऐसी सीरियस फिल्मों में आपके लिए मैं बहुत टैलेंटेड एक्टर हूँ ऐसी चीजें टाइम वेस्ट नहीं करता नहीं मैं बताऊं मेरे मुझे लगता है कि आई थिंक एक्टरों की बात नहीं है कि आपकी जो जिंदगी की जो सीरियसनेस है ना वो बस जैसे एज एन एक्टर मैं कहूँगा कि मेरी सारी सीरियसनेस उस एक्शन और उस कट के बीच में रहती है उसके बाद मैं नॉर्मल हूँ गप्पे मारता हूँ मस्ती करता हूँ सब कुछ करता हूँ फजूल का शूटिंग के दौरान हाँ जी दौरान कोई किस्सा ऐसा जब पंजाबियत आप लोग शूट कर रहे हो कोई किस्सा कोई बिंदु ऐसा जो शेयर करना चाहे हम लोगों से पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि पंजाबियत इतनी है इस फिल्म में कि जो भी पंजाबी इस फिल्म को देखेगा वो इस पे प्राउड फील करेगा इस फिल्म को देखने के बाद तो इतनी पंजाबियत है इस फिल्म में बाकी हमारी केमिस्ट्री जो हमारी नोकझोंक है वो बहुत इंजॉय की है मैंने जैसे ये बंदा वहां रहता है ये बंदा वहां रहता है तो उसी नाम से एक नाम आया कि बंदा सिंह चौधरी तो पंजाब बेस जी सर आपके लिए एक्शन मतलब कितना डिफिकल्ट रहा या क्यों आपको डाउट है मेरे आपको डाउट नहीं बिल्कुल कहीं से कहीं तक मैं थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मैं बहुत टैलेंटेड एक्टर मैं दोबारा कह रहा हूँ बहुत टैलेंटेड एक्टर नहीं नॉट अ प्रॉब्लम है टैलेंटेड तो है एक्टिंग तो ऑब्वियसली इज डन ग्रेट बट इन्होंने एक बहुत पहले बात बोली थी करेज तो क्या होता है कि जो फिल्म का जो इज लिव द कैरेक्टर एक कॉमन मैन है रेगुलर आदमी है शादीशुदा आदमी है अपने काम में लगा रहता है खेती बाड़ी करता है इज अ फार्मर बच्चा पैदा हो गया है तो इन्हें एक नॉर्मल आदमी जनरली इज ही लिव्स दैट काइंड ऑफ अ लाइफ उसमें ताकत कब आती है जब उसके फैमिली के ऊपर कोई थ्रेट आता है या कोई ऐसी कोई सिचुएशन आती है या कुछ हो तो वहां से करेज आती है टू फाइट फॉर योर लैंड फॉर योर पीपल सो देन वो कोई बॉडी जरूरत नहीं है कि भाई आपके मसल्स हो या आप हट्टे कट्टे हो वहां जो करेज आता है वो कम्स फ्रॉम एनी पर्सन हम सब में है वो when that time comes that's exactly what he said so this is he's lived the character he's not tried to ki bhai is film mein action hone wala hai to mujhe deliberately us stage ke liye prepare hone ke liye mujhe koi exercise ya matlab I think what he's trying to say that I've done other roles and not action maine zyada nahi par agar aap notice kare to dhyan aapka batao us taraf ki it's not difficult and I think I'm pretty good at it
एक्शन इज इजी. एक यू नो जब इनहेरिटली आप डांसर होते हो ना तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी मूव करती है और उसके अंदर ना एक्शन बहुत अच्छा होता है. एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, कभी नोटिस करना. सो यस इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम. एनी जॉनर इज नॉट अ प्रॉब्लम. जी और कोई अर्षद जी मेरा सवाल है. मैं संदीप तिवारी हूँ, नवभारत टाइम्स डिजिटल देखता हूँ. ये फिल्म की जब शूटिंग आपने की, इस शूटिंग के दौरान तमाम तरह के किरदार हुए होंगे. चाहते हैं वो हर इंसान की अपनी एक सोच है. आई थिंक आप अगर अपने सोच पर थोड़ा काबू रखें और सही तरीके सही रास्ते पर ले जाएं तो सब कुछ सही है. आप उसी सोच को गलत रास्ते पर ले जाएं तो सब कुछ गलत है. मेरे हिसाब से इस फिल्म में एक बहुत ही कमाल की चीज़ जो सीखने में आएगी, जो लोग सीख मैं चाहूँगा कि लोग सीखें, जैसे मैंने कहा साहस के बारे में, करेज के बारे में. आई थिंक वो एक चीज़ है जो हम मुझे लगता है हम सब में है और वो अगर हम सही रास्ते पे ले जाएं उस करेज को तो ज़िंदगी हमारी आसान हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी. और अगर उसी उसी करेज को अगर हम गलत रास्ते पर ले जाएँ तो वही चीज़ हानिकारक हो सकती है. तो यही है मेरा उपदेश. मैं चाहूंगा कि लोग ये फिल्म देखें और सही चीज सीखें और एक सही मैसेज लेके जाएं. हम मुझे लगता है हम सबको उसमें बहुत बहुत खुशी होगी. अरे अर्षद जी ये ठीक से पूछ नहीं पा रहे हैं. ये कह रहे हैं कि योगी जी आप यूपी में हैं तो योगी जी की मुख्यमंत्री यहाँ पे, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उस पे क्या कहना चाहते हैं? सर आप और मैं बाद में कहीं चाय पीने चलते हैं. बोलेंगे नहीं सर. आई थिंक जी आप पूछें जी. आखिरी आखिरी सवाल जी. जी फिल्म से रिलेटेड जी. आज के टाइम पे महिला सशक्तिकरण की बात कही जा रही है और आपने जिस तरीके से इसमें किरदार निभाया है कि महिला एक घर भी संभाल सकती है और वक्त पड़ने पर वो मैदान भी संभाल सकती है जी, तो क्या आप चाहेंगी कि महिलाओं को उत्पीड़न नहीं सहना चाहिए, वो अपने लिए आवाज उठाना चाहिए अगर कुछ भी ऐसा होता है तो? मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि एक जो ये जो महिला है, जो औरतें हैं, पहले तो हमें कहना बंद करना पड़ेगा कि वो किसी भी तरीके से कमजोर हैं या उनको किसी की भी इनको एम्पावरमेंट की जरूरत है. मुझे नहीं लगता उनको शायद रियलाइजेशन नहीं है, दिस नीड्स टू बी रेक्टिफाइड. पर मुझे लगता है वो जितनी पावरफुल है वो उनको रियलाइजेशन जिस दिन हो गई तो हमें फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ी. थैंक यू. जी जी बिल्कुल सर. मनीष से बस एक आखिरी सवाल. आप सभी को नमस्कार. मैं विक्रम लखनऊ से पत्रकार. सर कहीं ना कहीं ऐतिहासिक फिल्म को बनाया गया है. शूटिंग के जो दृश्य है लखनऊ के कितने हैं, पंजाब के कितने हैं? क्या पूरी फिल्म पंजाब में शूट हुई सर? सर पंजाब में शूट हुई है. लखनऊ का फिल्म का जो बैकड्रॉप है वो पंजाब ही है. तो एक हिंदू की कहानी है जो पंजाब में रहते हैं, पंजाब में बेस थे और क्या क्या उनके साथ उस दौरान हुआ था सिख और हिंदुओं के बीच में, वो हमने बताने की कोशिश करी है. यहाँ तो हम सब आप लोगों से मिलने आए हैं बस. सर स्पेशली आपसे मिलने आए और खाना खाने आए शहर. ठीक है सर, थैंक यू.